हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स मैं आपको बताऊंगा कि ये रशिया और यूक्रेन का एक इंटायर क्राइसिस है क्या और ये चल क्या रहा है, ये जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड सिचुएशन में हो क्या रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, क्यों ये वॉर जो है दोनों कंट्रीज के बीच में छिड़ चुकी है, इसके ऊपर हम लोग जानेंगे इस सेशन में। मेरा नाम वैभव प्रकाश है, मैं नेशनल यूनिवर्सिटी रांची अलमनस हूँ 2011-2016 बैच का, और पिछले 5 सालों से जहाँ पे कि मैं बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ फॉर वेरियस कॉम्पिटेटिव लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आई हैव सक्सेसफुली ट्रेन मोर देन 2000 प्लस स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। और अनअकैडमी पे आप मुझसे पढ़ने के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल रीजनिंग, जीके करंट अफेयर्स और लीगल एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए आ सकते हो। बिफोर वी बिगिन, मैं आपको जल्दी से बता दूं, 26 फरवरी तक हमारे पास एक एक्सटेंशन ऑफर है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस पे, जहाँ पे अगर आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 मंथ का फ्री मिलता है, और अगर 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 मंथ्स का फ्री मिलता है। एंड यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड विच इज़ VAI10 टू गेट अ 10% एडिशनल डिस्काउंट ऑल्सो। तो ये ऑफर्स को लेने के लिए और 10% डिस्काउंट लेने के लिए अनअकैडमी पे आप मेरा रेफरल कोड VAI10 ज़रूर यूज़ करना। अभी रिसेंटली कुछ बैचेस स्टार्ट हो रही है, 23 फरवरी से स्टार्ट हुई है 3 मंथ्स की रैंक बूस्टर बैच, जिसमें कि मैं इन डेप्थ करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप स्टेट लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें तो वहाँ पे भी मास्टर क्लासेस ऑन करंट अफेयर्स जो है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप मुझसे डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो और आ सकते हो, ठीक है। चलो बात करते हैं क्राइसिस की कि हो क्या रहा है। नाउ बिफोर वी बिगिन, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको समझना है कि किसी भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझने के लिए उसके मैप को देखना और उसके नेबरिंग कंट्रीज को देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो पूरा डिस्प्यूट अगर हम देखें तो वो रशिया और यूक्रेन के बीच में है, जो कि अपना बॉर्डर जो है ये दोनों कंट्रीज शेयर करते हैं। अब यहाँ पे इनके और नेबरिंग कंट्रीज की अगर बात करें तो टर्की, बल्गेरिया और रोमेनिया भी है, राइट, और जॉर्जिया भी है इस तरफ रशिया के साउथ में। तो ये सभी कंट्रीज जो है आपस में लैंडलॉक्ड है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो एक ब्लैक सी है। अब ये सी रूट जो है किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो मिलिट्री यूज के लिए बात करें, चाहे वो ट्रेड रूट के लिए बात करें। ब्लैक सी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी नेबरिंग कंट्रीज के लिए, और रशिया जो है वो अपना एक डोमिनेंस जो है वो क्रिएट करके हमेशा रखना चाहता है, करेक्ट। सो फॉर्मरली अगर बात करें तो ये सभी यूएसएसआर का पार्ट थे, जब यूएसएसआर बाइफरकेट हो गया, टूट गया, तो उसके बाद सब छोटे छोटे कंट्रीज बन गए। एंड यूक्रेन इज वन ऑफ द सेकेंड बिगेस्ट पावर आफ्टर रशिया आफ्टर द स्प्लिट ऑफ सोवियत यूनियन, जब भी वो टूट गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे इशू जो है ना वो सबसे बड़ा ये है कि इस पूरे एरिया में किसके पास ज़्यादा पावर रहेगा। तो इट्स ऑल द स्ट्रगल बिटवीन बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। तो इस एरिया को पावर में रखने के लिए रशिया जो है वो हमेशा चाहता है कि बाकी सभी कंट्रीज जो है वो रशिया से नीचे रहें। ना इनिशियली अगर हम देखें तो 2013-2014 के टाइम में जाते हैं, थोड़ा सा बैक डेट करते हैं, वहाँ पे हुआ क्या था ना, दो चीज़ें हुई थी। एक, रशिया ने क्रीमिया को इन्वेड किया था, ठीक है। क्रीमिया जो है वो एक छोटी सी एरिया है, देखो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्रीमिया एक छोटी सी जगह है जिसको रशिया ने एनेक्स किया था, जो कि पार्ट ऑफ यूक्रेन था। क्यों रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था, इज बिकॉज यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल रिजर्व जो है ना वो क्रीमिया में काफ़ी मिले थे, तो रशिया ने इसको एनेक्स किया था अपने ऑयल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करने के लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ था जब एक यूरोपियन कंट्री ने आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू किसी एक दूसरे टेरिटरी को एनेक्स किया था, अपने अंदर ले लिया था फ्रॉम अनदर कंट्री। वर्ल्ड वॉर टू के बाद पहली बार ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे इससे हुआ क्या कि एक मैरिटाइम अपर हैंड मिल गया, कि भाई वहाँ पे अपने अपना डोमिनेंस जो है वो शो कर दिया। उसके बाद रशिया ने सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है 2014 से, और ये क्रीमिया वाला जो है ना ये भी 2014 में ही हुआ था, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, 2014 से ही रशिया जो है वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट, जो कि यूक्रेन में कुछ एक ग्रुप है जिसे डॉनबास रीजन कहते हैं ईस्टर्न यूक्रेन में, वहाँ पे रशिया जो है वो उन सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करते रहती है 2014 से, कि अब ये जो रीजन है वो कहता है कि भाई हमको रशिया से निकल के, सॉरी, यूक्रेन से निकल के हमको रशिया में जाना है। तो इस मूवमेंट को सपोर्ट करते रहती है रशिया की, भाई चलो ठीक है, मेरे पास मेरी टेरिटरी जो है वो और एक्सपैंड होगी, मेरा पावर उस रीजन में जो है वो और बढ़ जाएगा। सिमिलरली एक यूरो मेडन मूवमेंट हुआ था जो कि यूरोपियन स्क्वायर में हुआ था, जहाँ पे कि सिविल अनरेस्ट हो गया था यूक्रेन में, वेयर द पीपल वर यू नो, जो लोग थे, यूक्रेनियन लोग थे, देवर वेरी एजिटेटेड, वो बहुत नाराज थे गवर्नमेंट के डिसीजन से, जिसने कि एक साइनिंग ऑफ एसोसिएशन अग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ सस्पेंड कर दिया था। तो यूक्रेन ने बोला कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं जाएंगे, रादर वी विल मेंटेन अ क्लोजर रिलेशन विद रशिया एंड द
यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। तो ये इससे ना यूक्रेन के लोग जो थे वो थोड़ा सा नाराज हुए थे, बट दिस ऑल्सो बूस्टेड द सेपरेटिस्ट मूवमेंट। और उसके बाद फिर ये जो क्रीमिया का जो इन्वेजन हुआ उससे लोग यूक्रेन के और ज़्यादा ही नाराज हो गए, बट रशिया जो है वो अपने पावर स्ट्रगल को मेंटेन कर रहा था। अब यहाँ पे आज के डेट में अगर फास्ट फॉरवर्ड करके आते हैं कि सबसे बड़ा इशू है क्या, इज नेटो। ठीक है, ये वॉशिंगटन ट्रीटी थी, 4 अप्रैल 1949 को साइन हुआ था नेटो। नेटो का मतलब है इज अ सिक्योरिटी अलायंस, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये 4 अप्रैल 1949 को साइन हुआ था। इसमें मेजॉरिटी अगर हम देखें तो मेजॉरिटी यूरोपियन नेशन और अटलांटिक रीजन के जितने भी कंट्रीज हैं वो इस एसोसिएशन का पार्ट बनते हैं। नाउ इसका इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है, अगर हम वापस से एक बार मैप को देखें, और इसमें 30 मेंबर्स हैं। ठीक है, टोटली नेटो के मेंबर्स जो है वो 30 कंट्रीज हैं। अगर हम बड़े और डोमिनेंट एरियाज की बात करें तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, यूएस, ये सभी बड़े बड़े मेजर कंट्रीज जो है वो नेटो के मेंबर्स हैं। अब उसके बाद फिर हम छोटे छोटे मेंबर्स को जो है वो भी हम देखते हैं। अब अगर हम देखो इसमें, देखो टर्की, बुल्गेरिया और रोमेनिया, ये तीनों, बुल्गेरिया, रोमेनिया और टर्की, ये तीनों ही कंट्रीज नेटो के मेंबर हैं। अब इसमें हो क्या रहा है कि यूक्रेन बोल रहा है कि मुझे भी नेटो का मेंबर बनना है, जो कि रशिया को पसंद नहीं आ रहा। क्यों रशिया को पसंद नहीं आ रहा यूक्रेन का नेटो का मेंबर बनना, इज बिकॉज नेटो में एक क्लॉज है, आर्टिकल 5 वॉशिंगटन ट्रीटी की जब हम बात करते हैं तो वहां पे एक क्लॉज है आर्टिकल 5 ये कहता है नेटो का, वॉशिंगटन अग्रीमेंट का, कि अगर किसी भी एक नेटो मेंबर पे किसी कंट्री ने अटैक किया तो दैट विल बी कंस्ट्रूड एज, उसको ऐसा माना जाएगा कि वो सारे नेटो कंट्रीज के ऊपर अटैक है। तो अगर मान लो सपोजिडली यूक्रेन आज के डेट में, या मान लो टर्की फॉर दैट मैटर, टर्की ऑलरेडी एक मेंबर है 1952 से, तो अगर टर्की के ऊपर रशिया अटैक करता है तो इट विल बी अंडरस्टूड कि सारे 30 कंट्रीज के अगेंस्ट रशिया ने अटैक किया, एंड ऑल दीज 30 कंट्रीज विल कम टुगेदर। अच्छा, अब इसी नेटो में एक और चीज़ क्या है कि आप अपना जो लैंड है और एयर स्पेस है वो आप बाकी नेटो मेंबर्स के साथ शेयर करते हो। तो रशिया बिल्कुल नहीं चाहता कि ऑलरेडी 3 मेरे पास कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनके पास, जो कि शेयर करते हैं अपना लैंड और एयर स्पेस विद नेटो, जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अब रशिया ये नहीं चाहता कि यूक्रेन पे भी आके यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बैठ जाए, क्योंकि दैट वुड बी लाइक अ कंप्लीट हेडेक रशिया के लिए। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था कि यू नो व्लादिमीर पुतिन जो अभी वहाँ पे प्रेसिडेंट है रशिया के, ही इज़ लाइक, उन्होंने यही बार बार यूक्रेन को कहा है कि आप नेटो का पार्ट मत बनो, दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, क्योंकि अगेन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इसी के कारण ख़राब हो रहा है। यूक्रेन जो है वो बैक ऑफ नहीं किया, यूक्रेन ने कहा कि नहीं, मुझे अपने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए नेटो का मेंबर बनना ज़रूरी है। तो यही जो है वो पूरा एक कंप्लीट, अगर हम बात करें तो यही डिस्प्यूट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में कि वेदर नेटो का मेंबर बनना चाहिए या वेदर नेटो का मेंबर नहीं बनना चाहिए। नेटो की अगर बात करें तो पॉलिटिकली वो इट्स मोस्टली अ सिक्योरिटी अलायंस, जैसा कि हमने बात किया था आर्टिकल 5 में वॉशिंगटन ट्रीटी के अंडर, कि आप एक कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज है कि आप सभी को एक दूसरे के साथ डिफेंड करोगे और इसी अकॉर्डिंगली आप एक्ट करोगे, सो दैट एक सेफ्टी नेट जो है वो मेंटेन रहे सभी मेंबर कंट्रीज के लिए। सो यस, देर हैज़ बीन अग्रेशन फ्रॉम रशिया एंड, नो डिनाइंग दैट, एंड रशिया ने अभी यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, एंड लेट अस सी एज टू व्हाट द नेटो कंट्रीज, नेटो मेंबर कंट्रीज क्या करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, एंड स्टे ट्यून्ड, इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे आने वाले टाइम पे जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी। सो दिस आई होप इससे तुमको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, क्लैरिटी आई होगी कि किस तरीके से ये पूरा डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी लॉ यूट्यूब चैनल, एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। दिस इज वैभव प्रकाश साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।